नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए के पार हो गई है। भोपाल में अब 1108 रुपए 50 पैसे में एक सिलेंडर मिलेगा। इंदौर में रेट 1131 रुपए हो गए हैं। प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर मुरैना, भिंड और ग्वालियर में मिलेगा। कई शहरों में वृद्धि ज्यादा हुई है। डिपो से ज्यादा दूरी और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। रेट बढ़ने के बाद सिलेंडर पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसे लेकर विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा भी हो चुका है। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। यदि आपकी बाइक या कार 15 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो आपको इसे बदलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करते हुए घोषणा कर दी है कि अगले महीने 1 अप्रैल 2023 से पुराने और कंडम वाहन सड़क से बाहर होने शुरू हो जाएंगे। पहले 15 साल की उम्र पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में बेचा जाएगा। 1000 वाहनों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। प्राइवेट वाहन, चाहे वो बाइक हो या कार, यदि 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। फिटनेस में फेल होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उस गाड़ी को सड़क पर चलाना गैर कानूनी होगा। ऐसे में स्क्रैप ही आखिरी विकल्प होगा। देश विदेश से सराहना बटोर रही जिले की पारंपरिक गोंडी चित्रकारी अब मार्बल पर भी नजर आएगी। इसके लिए भेड़ाघाट स्टोन प्रोड्यूसर कंपनी ने शांति स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया। दरअसल वर्तमान में विभिन्न समूहों और कलाकार साड़ियों, पोस्ट कार्ड, रुमाल, लोटा, फ्रिज मैग्नेट पर गोंडी पेंटिंग कर रहे हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रशासन ने गोंडी चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई, जिसमें इस परंपरागत चित्रकारी को आमजन तक पहुँचाने के छोटे छोटे उत्पाद तैयार किए। इन उत्पादों को बाजार में सराहा गया और देश के कई हिस्सों से इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद में भी प्रदर्शनी लगाई गई, जहां इन्हें बहुत पसंद किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुमति के बाद एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल को नियुक्त किया गया है। ये आर्थिक रूप से कमजोर पक्षकारों की न्यायालय में पैरवी करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र देवड़ा ने बताया कि डिफेंस काउंसिल सिस्टम का सबसे ज्यादा लाभ वंचित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी तरफ से कोर्ट में बचाव पक्ष रखने के लिए निशुल्क वकील उपलब्ध कराएगा। इंदौर में मेडिकल कॉलेज को लेकर कांग्रेस ने एक डिमांड की है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की संख्या को देखते हुए कांग्रेस ने ये डिमांड उठाई है। डिमांड करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नीलाभ शुक्ला। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का 50% सरकारी कोटा तय किया जाना चाहिए। नेशनल डॉक्टर डे पर मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या में भारी कमी उजागर हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।